अपने ही घर में जाने के लिए तुमने रोक लगा दी है ना तांत्रिक? जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगी मेरा बदला पूरा नहीं होगा। शबरीपुर नामक गांव में एक कोने वाले घर में लखन और पूर्णा रहते थे। इसी बीच उनका एक बेटा हुआ, फिर भी वे खुश नहीं थे। कब तक डर डर के इस घर में रहना पड़ेगा जी? उस चुड़ैल की वजह से रात होते ही बस बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तांत्रिक ने घर के चारों तरफ रक्षा रेखा खींचा है, इसलिए वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अंधेरा होते ही घर से बाहर मत जाना। पर कब तक ऐसे डर डर कर इस घर और इस गांव को छोड़कर चली जाएंगे? पूर्णा, तांत्रिक ने जो कहा क्या तुम्हें याद नहीं है? हम कहीं भी चले जाएं, खोजते हुए आकर हमारे बाबू को मार डालेगी। उस चुड़ैल का बदला हमसे नहीं, हमारे बाबू से है। हे भगवान, उस चुड़ैल के चुंगुल से हमारे बेटे को तुम ही बचा सकते हो। पता नहीं वो चुड़ैल मेरे बेटे से बदला क्यों लेना चाहती है। तांत्रिक 97 दिन तक छुद्र उपासना करके पूरी तरह से उस चुड़ैल का अंत कर देगा कहा है। तब तक हमें सब्र करना पड़ेगा। ना एक दिन इस रक्षा लकीर को पार करके आओगे, तब मैं बाबू का खून पीकर मार डालूंगी। अगले दिन लखन तांत्रिक के पास जाकर, तांत्रिक जी, आपने जैसा कहा वैसा ही अपने बाबू का बाल काट कर लाया हूँ। हाँ, उसे उस मुग्गू के ऊपर रखो। तांत्रिक ने जैसा कहा लखन ने वैसा ही किया। उस मुग्गू के ऊपर रखते ही बाल जल गए। उससे आने वाली राख से ताबीज बनाकर, ये लो, इस ताबीज को बाबू के हाथ में बांधो। अमावस्या आने वाली है, उस चुड़ैल को दिन के वक्त भी घूमने की शक्ति आ जाएगी। रात में उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। सावधान से रहना, अगले अमावस्या को क्षुद्र शक्ति मेरे वश में होगा, तब मैं उस चुड़ैल को भस्म कर दूंगा। तब तक सावधान रहना। घर आकर तांत्रिक ने जो कुछ कहा वे सारी बातें पूर्णा को बताकर बाबू के हाथ में ताबीज बांधा। अमावस्या का दिन था। खेत का काम खत्म करके दोपहर तक लखन घर आ गया। घर आकर देखने पर बाबू पलंग पर नहीं था। पूर्णा, पूर्णा, बाबू कहाँ है? बाबू वहीं पर पलंग पर सोया हुआ है जी। अरे पूर्णा, पलंग पर नहीं है। दोनों घबराए हुए घर के अंदर बाहर खोज रहे थे। हे भगवान, मेरा बाबू कहाँ है? वो चुड़ैल पकड़कर तो नहीं ले गई है ना? मैंने बार बार कहा था, आज अमावस्या है, ध्यान से रहना। हे भगवान, पूर्णा, बाबू का ध्यान रखना। जब से इसे चलना आ गया है वह एक जगह पर नहीं रह रहा है। ऐसा कहते हुए बाबू को दोनों के बीच में रख कर सो गए। बाबू नींद से उठकर घुटनों के बल बाहर चला गया। चुड़ैल को इसी समय का इंतजार था। चुड़ैल बाबू के ऊपर हाथ डालने ही वाली थी। हाथ डालते ही ताबीज मारने की वजह से वो उसे छू ना पाई। हाँ जी, इसके हाथ में ताबीज की वजह से मैं उसे छू नहीं पा रही हूँ। इसको मारकर मैं अपना बदला कैसे पूरा कर सकूंगी? हाँ, अमावस्या की वजह से
चुड़ैल को दोगुनी शक्ति मिल गई। उस शक्ति की वजह से बाबू को छुए बिना ही हवा में ले जा रही थी। गर्मी के दिन और दोपहर का वक्त था, इसलिए गांव में कोई भी नहीं था। इस प्रकार बाबू को गांव के उस पार शमशान में ले जाकर दफना दी। मेरा बदला पूरा हुआ। पासी में तुलसी पौधे की समाधि से दो आत्माएं निकलकर उन कुत्तों में समा गए। बाबू को जिस जगह पर दफनाया गया था उस जगह को खोदे और बाबू को पकड़कर जल्दी से वहां से भाग गए। वे कुत्ते रक्षा लकीर को पार नहीं कर पाए, इसलिए वहीं पर खड़े हो गए। इन सारी बातों से अनजान सोए हुए लखन और पूर्णा बाबू की रोने की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आए और कुत्ते के मुंह से बाबू को ले लिए। दामाद जी, वो चुड़ैल आ रही है, जल्दी से सब रक्षा लकीर के अंदर जाइए। चुड़ैल के कहे मुताबिक ही बाबू को लेकर लखन और पूर्णा लकीर पार करके घर के अंदर चले गए। उन लोगों का पीछा करते हुए आने वाली चुड़ैल, मेरा बदला पूरा होने ही वाला था कि आप लोगों ने सारा काम बिगाड़ दिया। अपनी सगी बेटी का बदला भी समझ नहीं पा रहे हो, जैसे माँ बाप हो आप लोग। छी, मंजुला बेटी, जो होना था वो हो चुका है, उस छोटे से बच्चे से तुम क्या बदला लोगी? रुकिए, आपके नीति वाक्य सुनने के लिए मैं कोई मनुष्य नहीं, बदले की आग में जलने वाली चुड़ैल हूँ। ऐसा कहते हुए उन आत्माओं को वहीं पर भस्म कर डाली। आज के लिए तो वो बच गया। पूर्णा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। तब वो लखन से पूछी, असल में वे आत्माएं आपको दामाद जी कहकर क्यों पुकार रहे हैं? वो चुड़ैल हमारे बाबू से बदला क्यों लेना चाहती है? इतने दिनों तक मैंने सोचा था ये कोई दुष्ट चुड़ैल का काम है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बताइए असल में क्या हुआ? पूर्णा, 5 साल पहले रानी नाम की इसी गाँव की एक लड़की से मेरी शादी हुई थी, मगर कई साल बीतने के बाद भी हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए मेरी माँ रानी को उल्टी सीधी बातें सुनाती थी, बहुत दुख देती थी। कभी भी बच्चे नहीं होंगे या सोचकर शायद चिंता और मेरी माँ के ऊपर गुस्से से असहाय स्थिति में पीछे में जो कुआं है उसे खींच कर आत्महत्या करके मर गए। मेरे कितने मना करने पर भी मेरे साथ ही वंश का अंत ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इस बात को छुपाकर तुम्हारे साथ शादी करवा दी मेरी माँ ने। मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ बहुत खुश था, हमारा बाबू हुआ, माँ का तो खुशी का ठिकाना न था। हमारी खुशियों को रानी कुएं में आत्मा में बदल कर देख ली। कभी कभी रात के वक्त पीछे जाने से कुएं में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। मैंने माँ को बताया पर माँ ध्यान नहीं दी। उसके मौत के कारण बनने वाली माँ के ऊपर गुस्से से हमारी खुशियों का कारण बनने वाले बाबू से बदला लेना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन अमावस्या की रात को माँ को बहुत ही बेरहमी से मार दी। उसी वक्त तांत्रिक को बुलाकर घर के लिए रक्षा कवच बनवाया। मुझे दामाद कहके पुकारने वाले वे आत्माएं रानी के माता पिता है। तुम्हें जब यह सब कुछ पता चलेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने तुमसे सारी बातें छुपाई। लेकिन रानी के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई? एक ही बेटी थी, आत्महत्या करके मर गई। इस बात से दुखी होकर और चिंता से उनकी भी मौत हो गई। जो होना था वो तो हो गया, उस चुड़ैल के चुंगुल से बाबू को बचाना है। आज से तांत्रिक ने कहा कि शूद्र उपासना पूरी हो रही है। आधी रात हो रही थी, तांत्रिक आया।
और चुड़ैल वाली कुएं में क्षुद्र कपाल को डालते ही, मुझे छोड़ दो, बदला, छोड़ दो मुझे, बदला, मुझे छोड़ दो मुझे। इस कुएं को पूरी तरह से बंद कर दो। अब बाबू को और आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक चला गया। उन्होंने जैसा कहा वैसे ही कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिए। चुड़ैल से छुटकारा मिल गया था। अब ये सुखी जीवन जीने लगे।